नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग अभी तक रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, पांचवा चैप्टर है हमारा अम्ल क्षार और लवण। याद रखिए, जितने भी हम लोग चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं वो जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखना, 7 से कम। क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? 7। ठीक है, अगर 7 से कम हुआ तो वो अम्लीय घोल होगा, और क्षार 7 से अधिक होगा पीएच मान जिसका, वो क्षारीय घोल होगा। ठीक है, और उदासीन 7 है। ठीक, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। ठीक, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। अम्ल क्या है? वह पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं। भस्म क्या है? वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण। उदासीन क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण तथा जल। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखना, क्षार। ठीक है, लिटमस लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब वह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सूचक केवल सूचक भी कहते हैं। ठीक, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH। सभी लवण क्या होते हैं? विद्युत अपघटन। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का क्या मान होगा? 10^-7, -7। ठीक, अब कुछ पदार्थों के पीएच मान देख लेते हैं। याद रखना इन पीएच मान को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, पूछ लेते हैं कई बार कई परीक्षाओं में। 1 मिलियन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैटरी का अम्ल का मान क्या है? पीएच मान 0.5। आंत रस का पीएच मान क्या होगा? 1.4। नींबू का रस, इसका पीएच मान 2.4। सिरका का पीएच मान 3 है। वाइन का पीएच मान 3.3 है। टमाटर का 4.2, बियर का 4.3 है, कॉफ़ी का 4.9 से 5। ठीक, वायु में उपस्थित जल जल वाष्प का 5.5, मूत्र का 5.5 से 7.5 तक इसका पीएच मान होता है मूत्र का।
दूध का 6.4, शुद्ध जल का 7, उदासीन उत्तर लार का 7.2, मानव रक्त या आंसू का 7.4, खाने का सोडा 8.4, अंडे का 7.8, घरों में प्रयुक्त अमोनिया 11.5, चूना, चूने का 13 होता है पीएच मान, कास्टिक सोडा इसका होता है 14। ठीक, बात करते हैं आगे, जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। ठीक, जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा अम्ल उपयुक्त होता है? पोटास एलम। सिरका निर्माण में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? एसिटिक अम्ल। मोलासेस से चीनी तैयार करने में कौन सा भस्म उपयुक्त होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विस्फोटक पदार्थ बनाने में कौन सा लवण उपयुक्त होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों में किस प्रकार विभेद किया जा सकता है? लाल लिटमस द्वारा। जल का अवशोषण करने वाले लवण क्या कहलाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय। गेहूं में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ग्लूटामिक एसिड। वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल अथवा क्षारक को मिलाने पर परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो याद रखना हल्दी। हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्यूमिन। बात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार के अम्ल, भस्म और लवण तथा उनके उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल देखते हैं और उनके उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल, कई प्रकार की बैटरी बनती हैं इससे, विस्फोटक भी बनता है, रंग व औषधि भी बनाई जाती है इससे। फिर नाइट्रिक अम्ल, इससे औषधि उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, अम्ल राज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रंग बनाने में इसका उपयोग होता है, औषधि बनाने में, बैटरी निर्माण में भी होता है, अम्लराज बनाने में भी इसका उपयोग होता है, अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सिरका बनाने में, खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है, एसीटोन बनाने में भी एसिटिक का उपयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में, चमड़े के व्यंजन में भी इसका उपयोग होता है। बात करते हैं लवण। सोडियम क्लोराइड का उपयोग मानव आहार का आवश्यक अंग है, मांस मछली के संक्षारण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर पोटेशियम नाइट्रेट, गन पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है, कांच उपयोग उद्योग में, उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर पोटास एलम, औषधि निर्माण में, जल के शुद्धिकरण में, चमड़ा उद्योग में भी पोटास एलम का उपयोग करते हैं। फिर भस्म या क्षार, कास्टिक सोडा, साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, दवा निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूड़ बनाने में, जल को मृदु बनाने में, घरों में चूना पोतने में भी इसका उपयोग होता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चीनी उद्योग में, अम्ल विषाक्तीकरण में के एंटीडोट के रूप में। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, औषधि निर्माण में होता है इसका उपयोग, रबड़ पूरक के रूप में, वायलरों के उपयोग में भी इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। Na2CO3 का जलीय विलयन लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा।
पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? पीएच मूल्य के, पीएच मान के। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो याद रखना सोरेनसन। अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है। बफर विलयन, बफर विलयन है वह विलयन जो अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, बफर विलयन कहलाता है। सोडियम एसीटेट, एसीटेट एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन है। ठीक है, अब कुछ सूचक और उनके पीएच मान। ये अम्ल तथा क्षारीय माध्यम में उनका रंग। ठीक है, तो ये सूचक, सूचक क्या है? फिनोल्फथिन, थिलीन। इसका पीएच मान 8 से 9.4 होगा। ये अम्ल रंग परिवर्तन, अम्ल से रंगहीन होगा और क्षार से गुलाबी होगा। ठीक, फ्रेम मैथिल ऑरेंज, इसका पीएच मान होगा 3.2 से 4.5 तक। अम्ल से ये गुलाबी रंग में परिवर्तन होगा और क्षार से पीला। ठीक है, फ्रेम मैथिल रेड, तो याद रखना 4.5 से 6.4 होगा इसका पीएच मान। अम्ल से लाल रंग में परिवर्तित होगा और क्षार से पीला रंग में। तो चलिए, ये था हमारा 5वां चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण से संबंधित। अगला 6वां चैप्टर देखेंगे हम लोग गैसों के गुण। ठीक,